लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि कैसे अपा अगर कोई ट्रांजिस्टर है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बारे में अपा पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन, ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। सबसे पहले तो यहां पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर आपके तीन तरीके के, मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर जो आपके वो होते हैं सेमीकंडक्टर, वो तीन यूज होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, टू जंक्शन बनते हैं। लाइक सबसे पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक छोटा सा, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है अगर, तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे होगा एन और बीच में होगा यहाँ पे बेस पी और यहाँ पे होगा कलेक्टर एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीन जो है टर्मिनल्स है, वन टू थ्री, तीन टर्मिनल्स आते हैं इसके, एक दो तीन टर्मिनल्स होते हैं और जो सेंटर में होता है वो बेस होता है, इधर एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है। ठीक है, तीन जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स तो तीन आ गए इसके अंदर। और जंक्शन कितने होते हैं, एक जंक्शन यहाँ पे एन और पी का जंक्शन और एक जंक्शन पी और एन का जंक्शन, मतलब के दो जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो टू जंक्शंस और कितने, थ्री टर्मिनल्स होते हैं इसके, थ्री टर्मिनल्स, तीन टर्मिनल्स और दो जंक्शन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये होता है आपका ट्रांजिस्टर। और ये बना कैसे होता है, कहते इट इज एज्यूम्ड टू, ये ऐसे एज्यूम किया जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, ऑफ हैविंग सेमीकंडक्टर ए पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, लाइक पी टाइप सेमीकंडक्टर या कोई भी हो सकता है, और उसको क्या किया जा सकता है, ऑफ वन टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी ऐसे लिखते हैं, वन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या कर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैंडविचिंग। सैंडविच करना मतलब कि दो के दो हिस्सों के बीच में उसको रख देना, सैंडविचिंग इनटू टू अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दो अदर टाइप के सेमीकंडक्टर में से के अंदर एक टाइप का सेमीकंडक्टर, लाइक पी टाइप का सेमीकंडक्टर को दो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स के अंदर अपन सैंडविच करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जब अपना बन गया, ये वर्क कैसे करता है, ये अपने लास्ट में पढ़ा था, देखा था कि कैसे वर्क करता है। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी इसकी और पार्ट्स आ सकते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनपीएन है चाहे पीएनपी है। तो इसके अंदर एक तो होता है एमीटर सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, एमीटर। एमीटर जो कि एमिट करता है, इंजेक्ट करता है इसके अंदर पूरा जो प्रोसेस के लिए जितना भी इसको कोई वो चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या होल्स चाहिए। ठीक है, वो ये इंजेक्टर ये होता है एमीटर। उसके बाद आता है सेकंड, वो होता है बेस। ठीक है, और थर्ड आता है आपका कलेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्टर, कलेक्टर। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। सबसे पहले आता है एमिटर, ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे पहले आता है एमिटर। एमिटर के बारे में क्या है कि एमिटर जो होता है यही पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, मतलब कि अब यहाँ पे पी और एन, यहाँ पे जंक्शन है पी एन जंक्शन है, अब यहाँ से अगर मैं कनेक्ट कर दूं इलेक्ट्रिसिटी को या कुछ भी जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कनेक्ट कर दूं, यहाँ से उसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से बाहर जानी चाहिए, ऐसे मैं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेस तब तक नहीं चलेगा, मैंने आपको
बताया था जब तक इसके अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे जाके एन उसके अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन्स पुश नहीं करता तब तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो नहीं चलेगा। इट मींस जो एन है वो क्या है, एमिटर है, वही सबको जो है रिक्वायर्ड जो सप्लाई है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इंजेक्टर है पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले एमिटर को, अगर एमिटर ने ही सारा जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी जाने हैं वो इसी से जाने हैं एमिटर से, तो इसको क्या किया जाता है, हैवीली डोप्ड किया जाता है, मतलब कि डोपिंग इसकी हाईएस्ट की जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हैवीली डोप्ड, ठीक है। और जो इसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, विड्थ इसकी रहती है मीडियम विड्थ, मतलब कि विड्थ कितनी, ये चौड़ाई इसकी, ठीक है, चौड़ाई अब तीन है यहाँ पे, मतलब कि सबसे ज्यादा किसकी चौड़ाई रहेगी, कलेक्टर की सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी रहेगी, बेस की चौड़ाई, बहुत ही थिन होता है ये, और मीडियम रहेगी इसकी, मतलब कि अगर मैं बड़े से छोटे की ओर देखूं तो सबसे बड़ा है ये वाला, दूसरे नंबर पे है एमिटर और तीसरे नंबर पे है आपका बेस, ठीक है, कलेक्टर सबसे बड़ा, एमिटर उससे छोटा और बेस उससे छोटा, तो मीडियम है इसकी जो विड्थ कितनी है इसकी, मीडियम है, ठीक है, मीडियम विड्थ। तो ये हैवीली डोप्ड होता है क्योंकि सारे प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इसी ने भेजने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेस, बेस जो होता है इसके बारे में आपको पता है, ये सबसे पहले सबसे कम लोएस्ट डोप्ड होता है, ठीक है, हैवीली डोप्ड कौन सा होता है, ये वाला एमिटर, और लोएस्ट डोप्ड सबसे कम डोपिंग की जाती है इसकी, ठीक है, इसके अंदर सबसे कम डोपिंग, मतलब कि हल्की फुल्की डोपिंग की जाती है, ठीक है, बहुत ही कम डोपिंग की जाती है बेस की। और ये क्या होता है, इसकी विड्थ कितनी होती है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट विड्थ, विड्थ है स्मॉलेस्ट, और जो डोपिंग की गई है वो है लोएस्ट, ठीक है, सबसे कम डोपिंग की गई है, और जो है स्मॉलेस्ट इसकी क्या है, विड्थ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमिटर के बाद कलेक्टर, कलेक्टर के बारे में क्या होता है कि अब इसकी जो डोपिंग की जाती है वो मीडियम की जाती है, मतलब कि इससे कम और इससे ज्यादा जो कलेक्टर है इसके अंदर जो डोपिंग की जाएगी, रेगुलरिटीज फिल की जाएंगी, वो एमिटर से तो कम की जाएंगी लेकिन बेस से ज्यादा की जाएंगी, बेस में तो सबसे कम है, ठीक है, तो मीडियम डोप्ड डोपिंग तो की गई है वो मीडियम है, मीडियम डोप्ड पर जो लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है, साइज जो होता है वो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट विड्थ, ठीक है, विड्थ जो है इसकी वो लार्जेस्ट होती है, मतलब कि ऐसे रहते हैं। अब जो एन है इसकी विड्थ थोड़ी सी कम रहेगी, इसकी बिल्कुल ही कम रहेगी, इसकी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, लेकिन डोपिंग के मामले में ये जो है मीडियम है, और ये सबसे ज्यादा है, और ये सबसे कम है, एरिया वाइज भी ये सबसे कम है बेस, और डोपिंग वाइज भी सबसे कम है, ठीक है, ये एरिया वाइज जो है वो दूसरे नंबर पे है मीडियम पर डोप्ड के मामले में इरेगुलरिटीज, जो इंप्योरिटीज फिल की गई है उस मामले में ये सबसे ज्यादा है एमिटर, ठीक है, ऐसे ये क्या रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं। तो इनके बारे में आपने सारी चीजें लिखनी है, इनको एक वो बना के लिखोगे कि यो जो एमिटर होता है ये सबसे ज्यादा डोप्ड होता है लेकिन इसकी विड्थ होती है वो मीडियम रहती है, ठीक है, और जो आपका जब आप बेस के बारे में लिखोगे तो लोएस्ट इन साइज लिखोगे, ठीक है, और डोप के मामले में भी सबसे लो होता है, ये सबसे कम डोपिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि वर्किंग कैसे होती है इसकी, ठीक है, अब आपको तीन चीजें पता चली कि इसके अंदर एमिटर, कलेक्टर और एक होता है बेस। क्वेश्चन आता है सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, सॉरी सबसे पहले आप सिंबल करते हैं, ठीक है, सिंबल कैसे रहते हैं, सिंबल्स जो इसके रहते हैं वो दो तरीके के सिंबल होते हैं एनपीएन एंड पीएनपी के मामले में, ठीक है, सिंबल कैसे आता है इसके अंदर, लाइक जैसे ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन टाइप है तो एनपीएन के अंदर इसका कैसे वो बनेगा सिंबल यहां पे, ठीक है, और यहां से जाएगा ये एक सर्कल के अंदर, ठीक है, और ये जो है आपका ट्रांजिस्टर
इनमें से एक होगा कलेक्टर, लाइक ये कलेक्टर है और ये होगा एमिटर ई, ठीक है, ई से लिखता हूं इसको, और ये होगा बेस, बी से लिखता हूं, ठीक है, बेस कलेक्टर एमिटर। अब इसको कौन से टाइप का है ये, अगर तो यहाँ पे तीर का निशान ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे तीर का निशान लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगा हुआ है, एरो हेड लगा हुआ है और ये एमिटर की तरफ है, सबसे पहले तो ये एमिटर वाले भी उस पे ही आएगा क्योंकि सारा कन्वेंशनल करंट जो पास होगा वो एमिटर के ऊपर होगा, ठीक है, एमिटर से ही सारी डिटेल्स आती है। अगर तो ये एनपीएन टाइप है, ठीक है, तो जो करंट है वो किस कहां जाएगा, एमिटर से बाहर की ओर जा रहा है, ध्यान दो यहां पे कनेक्शन है, ठीक है, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, एनपीएन टाइप आ गया, ये एनपीएन का जो है सिंबल है, ठीक है, एनपीएन टाइप। अगर पीएनपी होता यहां पे, ठीक है, पीएनपी, पीएनपी, ठीक है, दो तरीके के होते हैं यहां पे, पी टाइप इंप्यूरिटी, एन टाइप इंप्यूरिटी बीच में कर दी और पी टाइप इंप्यूरिटी लास्ट में रख दी, तो ये सिंबल कैसे आता है, यहां पे इस एरो हेड को रफ कर देना और एरो हेड उल्टा लगा देना यहां पे, ठीक है, ये जो सिंबल है ये किसका है, आपका पीएनपी का है, ठीक है, बस दो ही चीजें हैं इसके अंदर, एक तो एरो हेड है ऐसे लगा होगा यहां पे, ये तो पीएनपी का है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं करना, आपने इसी के ऊपर एरो हेड लगाना है। अगर तो ये इस तरफ नीचे की ओर लगा हुआ एमिटर की ओर, तो इट मींस ये कौन सा है, एनपीएन टाइप है। अगर ये यहाँ पे लगा हुआ अंदर वाली साइड, ठीक है, ऊपर वाली साइड, तो ये कौन सा है, पीएनपी टाइप है, ठीक है, पीएनपी, एनपीएन एंड पीएनपी, दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं और दोनों के बारे में आपको सिंबल करवा दिए। अब आती है वर्किंग, कैसे वर्क करता है ट्रांजिस्टर वर्किंग। अब जो वर्किंग है वो भी दो तरीके की होगी, एक तो हो गया आपका एनपीएन टाइप और दूसरा हो गया पीएनपी टाइप, ठीक है, तो वर्किंग भी अलग अलग होगी। तो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग करते हैं आप, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, लाइक सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, तो यहां पे क्या बनाते हैं आप, एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो कि एक ही मटेरियल से बना रहता है और उसके अंदर होते हैं दो जंक्शन, एक दो जंक्शन आगे, ठीक है, एनपीएन टाइप है, एनपीएन, तो सबसे पहले क्या आएगा, एन फिर पी फिर एन, ठीक है, यहां पे क्या रहेगी, इसके जो इंप्यूरिटीज हैं एन टाइप इंप्यूरिटीज, और यहां पे क्या रहेगी, पी टाइप इंप्यूरिटीज, और यहां पे क्या रहेगी, एन टाइप इंप्यूरिटीज, ठीक है। तो यहां पे आप इसको अगर बनाना चाहें तो ये क्या हो गया, एमिटर, इसको ई से लिखता हूं मैं, ये आ गया बेस, इसको बी से लिखता हूं, ये आ गया कलेक्टर, इसको सी से लिखता हूं, ठीक है, कलेक्टर बेस एमिटर, ये तीनों चीजें याद रखनी है, एमिटर हैवीली डोप्ड, जो बेस है वो सबसे कम डोप्ड और जो कलेक्टर है वो मीडियम डोप्ड, ठीक है, ऐसे रहते हैं ये। उसके बाद अब ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ कनेक्ट होती है वो कैसे रहती है, बेस सबसे कम होगा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं बेस को, क्या बेस सबसे कम एरिया होता है बेस का, ये आपने यहां पढ़ा था अभी आपने, ठीक है, तो बेस सबसे कम और एनपीएन, ठीक है। अब यहां पर क्या रहता है, ध्यान दो, एक तो रहता है बैक जो रिवर्स बायस्ड, ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, मैंने आपको ये करवाए थे फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड जो डायोड है वो कैसे होते हैं। अब यहाँ पे दो बैटरियां लगी हुई हैं, एक तो जो हैवी करंट जो अपने ट्रांसफर करवाना है लाइक ये वाला, ठीक है, ये तो हो गया हैवी वोल्टेज, ठीक है, और एक आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है लो वोल्टेज टू जो है उसकी, उसको कंप्लीट करने के लिए अपने को एक लो वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक लो वोल्टेज के लिए डिवाइस कनेक्ट कर दी। अब आपको समझना है कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं, पहले कनेक्शन देखना है आपने, जो भी हैवी करंट होता है, हैवी करंट किस तरफ रहेगा, वो कलेक्टर वाली साइड रहेगा, ठीक है, कलेक्टर वाली साइड हैवी करंट रहेगा
और जो एमिटर वाली साइड है वो लो करंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लो करंट कनेक्ट करना है, यहाँ पे हैवी करंट कनेक्ट करना है। अब करना कैसे है, अगर तो ये एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है, आपने क्या करना है, ध्यान दो, इस तरफ ये जंक्शन बन रहा है पीएन, पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस, जहां पे हैवी लोड है वहां पे अपने रिवर्स करना है, जो बायसिंग करनी है वो रिवर्स करनी है। इट मींस जो एन है उस तरफ तो अपने ये न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल वाली साइड अपने फेस रखना है, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव वाली साइड अपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है। उल्टा लगा दिया इस तरफ तो, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगाई तो उल्टी लगा दी, ठीक है। ये बड़ी बैटरी है जो हैवी लोड है, हैवी करंट, और यहाँ पे लोड भी सारे हैवी आएंगे इस सर्किट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप कोई स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, हैवी लोड। इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका जो एमीटर है उसने क्या करना है, बस सिर्फ जो पावर सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है। तो इस तरफ अपनी बैटरी कौन सी होगी, वो छोटी होगी। इस तरफ कैसे लगाना है, उस तरफ तो अपने रिवर्स बायसिंग की है, इस तरफ आप करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आप क्या करेंगे, जो फेस है इस तरफ फेस है, फेस की तरफ आप फेस रखेंगे, मतलब कि यहां पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव साइड इस तरफ रखेंगे और नेगेटिव साइड इस तरफ रखेंगे, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अपने इस तरफ नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, इस तरफ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो न्यूट्रल वाली साइड होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, अब यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक आपका जो है आयन होता है जिसको अपन इमोबिल आयन कहते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये हो गया ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी बनाए मैंने वो ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, होल्स ज्यादा है, पी टाइप है तो होल ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होल्स है, पी वाले के अंदर होल्स है, और यहाँ पे क्या है, फिर से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे ज्यादा डोप्ड है, एमिटर है ये सबसे ज्यादा डोप्ड है, ये सबसे कम डोप्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या है, होल्स है, और ये फिर से सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब कि मीडियम डोप्ड है। अब क्या हो रहा है, ध्यान दो कि ये जो पॉजिटिव वाली साइड है ये अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव का मतलब होता है किसी भी बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव साइड है उसका मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या है, होल्स ज्यादा है, ज्यादा होल्स होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब ये क्या होगा, यहां से ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पुश करेंगे इस तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे इनके वो भी आगे चले जाएंगे, ठीक है। आगे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इन होल्स को फिल कर देंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटर, इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम एमिटर जो है, एमिटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इंजेक्ट होंगे और कहां चले जाएंगे, टू द बेस, और बेस के अंदर जितने भी होल्स हैं उनको फिल कर देंगे, ठीक है। एमिटर से निकले और बेस के अंदर चले गए, बेस के जितने भी होल्स हैं उनको फिल कर देंगे, लेकिन बेस जो है बहुत ही कम डोप्ड है, लोएस्ट डोप्ड है, तो लगभग 5% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको फिल कर लेंगे, 5% इलेक्ट्रॉन से ही ये पूरे होल्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अप्रोक्सीमेट 95% जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां जाएंगे, अब इसको तो फिल कर दिया, वापस आना चाहिए था पॉजिटिव की ओर, लेकिन वापस नहीं आएंगे, वो क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि यहां से अट्रैक्शन हो रही है, ये पॉजिटिव साइड इसकी भी तो जुड़ी हुई है और ये हैवी लोड है, हैवी लोड के कारण यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव साइड है इसको अट्रैक्ट कर लेगी इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और वो क्या करेंगे, इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इस तरफ चले गए, इसके अंदर चले गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जाना चाहिए था उनको यहाँ से यहाँ और खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अट्रैक्शन ऑफ दिस करंट इज मोर देन दिस, देन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, होल्स को जंप करके कलेक्टर के अंदर चले जाएंगे, कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा है तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्टोर करेगा, कलेक्ट करेगा उनको, कलेक्टर का मतलब है कलेक्ट करना। इट मींस बेस से इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्स 95% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेस को फिल करने के बाद कहां चले जाएंगे, टू कलेक्ट।
वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज कौन सी, ये वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ बैटरी वी ए नाम देते हैं इसको, इसको अपन नाम देते हैं वी वी, ठीक है, इसको अपन नाम देते हैं वी वी, वी ए वोल्टेज के कारण, ठीक है, वी ए वोल्टेज के कारण वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अपवर्ड्स जो कलेक्टर है, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे सारे, ठीक है। अब कलेक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए, ठीक है, बेस फिल हो गया, तो यहां से ये सर्किट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरी पूरे सर्किट के अंदर वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहां से पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया, तुरंत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स पास होने बंद हो गए थे, तो जो है सारा सर्किट वो क्लोज हो गया। इट मींस आपने सेंटर में थोड़ी सी वोल्टेज दी तो क्या हो गया, यहाँ पे एनपी जंक्शन था तो यहाँ पे पी को पूरा फिल कर दिया इसने और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। एनपी इतना एरिया एनपी है, अगर इतने को ही जोड़ देता मैं करंट चलता, लेकिन मेरे को इतना करंट नहीं चलाना, मेरे को ये सारा करंट चलाना है, ठीक है। तो टोटल करंट चलाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट किया और जैसे ही ये सारे होल्स फिल हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे अब यहाँ से ऐसे जाने चाहिए थे, लेकिन जो ये वाली बैटरी है ये भी इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज के जो इसके अकॉर्डिंग इसको अट्रैक्ट करने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ से जाने की बजाय यहाँ से जाने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अब करंट दो जगह से पास हो रहा है, एक तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है, आप हमेशा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऐसे आ रहा है करंट, लेकिन आप इसको अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये ऐसे इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो सर्किट कंप्लीट हो गया था, लेकिन पूरे करंट जो क्रॉस करेगा वो ऐसे क्रॉस करेगा इसके अंदर से, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे क्रॉस करने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बैटरी इसके अंदर से, ठीक है। तो टोटल करंट आई ई, अगर मैं इसको लिखूं यहां पे आई ई करंट है, आई ई, ठीक है, और यहां पे जो सेंटर में है जो करंट उसको अगर मैं आई बी लिखूं, इसको आई बी लिख दिया, और इसको अगर मैं लिखूं आई सी, ठीक है, तो टोटल करंट आई ई कितना हो गया, आई ई इज इक्वल टू IC plus IB, टोटल करंट कैसे आ गया इसके अंदर, इतना आ गया, ठीक है, IE is equal to IB plus IC, दोनों जगह से जितना करंट जा रहा है वो सारा यहां से वापस आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसी है, ये करंट है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे आएंगे और पॉजिटिव की ओर जाएंगे यहां से, ठीक है, और फिर से यहां से जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होने के बाद और इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे और इसके अंदर से होते हुए अब डायरेक्ट इसको क्या मिल गया, ऐसे स्टेबिलिटी मिल गई, अब ये दोनों जगह से क्रॉस करेगा करंट, ठीक है, यहां से ऐसे भी क्रॉस कर रहा है करंट और यहां से ऐसे भी क्रॉस कर रहा है और यहां से ऐसे भी क्रॉस कर रहा है, सारे सर्किट कंप्लीट हो गए। जैसे ही मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, अब ये एनपी जंक्शन था वो बंद हो गया और जो ये वाला जंक्शन था ये अपोजिट है, ठीक है, ये अपोजिट जंक्शन है, एन को मैंने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, पी को नेगेटिव से, ठीक है, तो ये सर्किट भी बंद हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा हाई वोल्टेज भी बंद होगी, लो वोल्टेज भी जानी बंद होगी उसके पास, ऐसे ये वर्क करता है ट्रांजिस्टर। और जो नेक्स्ट आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसके अंदर फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर जो मेजोरिटी कैरियर है वो कौन से है, इलेक्ट्रॉन्स है, मेजोरिटी कैरियर क्या है इसके अंदर, मेजोरिटी कैरियर क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस वाले एनपीएन के अंदर, एनपीएन के अंदर मेजोरिटी कैरियर किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का, वही पीएनपी के अंदर क्या होगा, पीएनपी के अंदर मेजोरिटी कैरियर किसका होगा, होल्स का, होल्स उसमें ज्यादा होंगे, ठीक है, यहां पे होल्स होंगे लाइक पी एन पी, पी एन पी, तो इसके अंदर क्या होगा, यहां पे होल्स होंगे और यहां पे क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर से यहां पे होल्स होंगे, ठीक है, होल्स यहां पे ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी कैरियर किसकी है, होल्स की, तो होल्स जो है वही काम सारा सेम हो रहा है,
इस बार आपा क्या करेंगे, इस बार उल्टा लगाएंगे, ठीक है। इस बार आपा ने क्या करना है, बस ये सप्लाई को ऐसे करना है कि बैटरीज को उल्टा लगा देना है आपा ने, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये ध्यान दो अब बैटरीज कैसे लगेंगी, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आ गया आपका पूरा सर्किट, ठीक है। इस बार आपा ने क्या करना है, बैटरीज कनेक्ट करनी है, बताओ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो P है पॉजिटिव साइड, छोटी बैटरी का पॉजिटिव साइड इस तरफ रखेंगे और नेगेटिव साइड इस तरफ, ठीक है, उल्टी लगा दी बैटरी। और अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट रिवर्स बायसिंग करनी है। रिवर्स बायसिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, P वाली साइड पे N रखूंगा नेगेटिव, और जो N वाली साइड है उस तरफ पॉजिटिव रखूंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, या अगर नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरफ मैंने नेगेटिव से नेगेटिव को और पॉजिटिव से पॉजिटिव को, ठीक है। जिसके कारण जब आप ये सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो सारी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, सेम टू सेम वर्किंग है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो वर्किंग आपको पता चल गई है एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप करेंगे आपका थायरिस्टर, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।